हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए तीन बड़ी अपडेट। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने इग्नू से अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है और अभी तक आपने अपना ओरिजिनल डिग्री इग्नू से अगर कलेक्ट नहीं किया है, तो इसके लिए दो अलग अलग रीजनल सेंटर्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी डिग्री का स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही आपने जो भी जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जमा करवाए थे, उनके सबमिशन स्टेटस को भी अपडेट करना स्टार्ट कर दिया गया। दोस्तों, पूरा डिटेल में बात करेंगे, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, अगर अभी तक आपने अपना नेक्स्ट सेमेस्टर या फिर नेक्स्ट क्लास में री रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया, तो इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए 12 अगस्त की लास्ट डेट दी गई है। साथ ही दोस्तों, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू में न्यू एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे किसी भी डिग्री के लिए, तो इसके लिए भी 12 अगस्त की ही लास्ट डेट दी गई है। आप इसे जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब वीडियो का जो पहला नोटिफिकेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसे पोर्ट ब्लेयर रीजनल सेंटर की तरफ से जारी किया गया है। उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है जिनकी डिग्री 28वें कोनोकेशन से लेकर 35वें कोनोकेशन तक कंप्लीट हुई है। अगर आप इसके लिए अपना कोनोकेशन फी जमा करवा चुके हैं, तो आपकी डिग्री आपको मिल गई होगी। अगर आपको आपकी डिग्री नहीं मिल पाई है, तो आप सभी की डिग्री आपके रीजनल सेंटर पर रखी हुई है, आप जाकर वर्किंग आवर्स में अपनी डिग्री कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके रीजनल सेंटर के टेलीफोन नंबर्स और ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। अगर अभी तक भी आपने अपने ओरिजिनल डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आप अभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली आप ऑनलाइन अपना कन्वोकेशन फी पेमेंट कर देंगे और इसके लिए अप्लाई कर देंगे। आपका जो भी एड्रेस होगा, उस एड्रेस पर आपकी डिग्री को भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है, वो है चंडीगढ़ रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, चंडीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिग्री बाई पोस्ट भेज दी गई है। आप इसका स्टेटस किस तरीके से चेक करेंगे और किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिग्री को बाई पोस्ट भेजा गया है, तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री डिप्लोमा 106 डिस्पैच स्टेटस एज ऑन 5 अगस्त 2022। आप इसे क्लिक करके और चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों टोटल 106 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिग्री को बाई पोस्ट भेज दिया गया है। नेक्स्ट लिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक और लिस्ट दी गई है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल 107 है, जिसमें कि लास्ट स्टूडेंट का माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किस तरीके से अपना स्टेटस चेक करेंगे। यहाँ पे स्पीड पोस्ट का नंबर दिया हुआ है। दोस्तों, आप अपने मोबाइल में भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आपकी डिग्री आपको नहीं मिल पाई है, तो सिंपली जो भी यहाँ पे स्पीड पोस्ट का नंबर दिया हुआ है, आप उसे इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल का होम पेज ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सर्च करना है इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ अलग अलग ऑप्शंस होंगे। इसमें दिया हुआ है ट्रैक कंसाइनमेंट, आप इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में जो भी कंसाइनमेंट नंबर था, वो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, और ये जो कैप्चा दिया हुआ है, इसका जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे डाल देंगे, और सर्च के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका पोस्ट का जो लेटेस्ट स्टेटस है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद में दोस्तों, नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है या नेक्स्ट जो अपडेट है, उसके बारे में बात करते हैं। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जमा किए थे, तो आपका सबमिशन स्टेटस लेटेस्ट इग्नू की तरफ से अपडेट कर दिया गया है। आप सभी स्टूडेंट्स एक बार अपने असाइनमेंट का सबमिशन स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपका यहाँ पे सबमिशन स्टेटस अपडेट नहीं हो पाता है, तो आपको अपने असाइनमेंट्स फिर से जमा करने की ज़रूरत हो सकती है। और जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं करवाया, या जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2022 सेशन में न्यू एडमिशन या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया था, आप सभी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट्स नेक्स्ट मंथ सितंबर में अपने अपने स्टडी सेंटर्स पे जमा करवाने होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन पीडीएफ मुझसे परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना री रजिस्ट्रेशन या फिर न्यू एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया, जिसके लिए कि 12 अगस्त की लास्ट डेट दी गई है।
और साथ ही दोस्तों अगर आप YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू।